इस रिव्यू के स्पॉन्सरर्स हैं आप यानी मेरी ऑडियंस, और मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपने चैनल पे नहीं चलाता, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही बोलना पसंद करता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और ज्वाइन करें मेरे चैनल को। मोबाइल फोन की रेवोल्यूशन आई थी आज से 10 साल पहले, जब हमने नॉर्मल फोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड किया था। कुछ उसी तरह की रेवोल्यूशन आ रही है इस समय टीवी इंडस्ट्री में, जब हम नॉर्मल टीवी से स्मार्ट टीवी में अपग्रेड कर रहे हैं। जब हम अपग्रेड करते हैं तो 32 इंच के बाद हमें सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता है 43 इंच साइज। लेकिन 43 इंच साइज के अंदर हमें फुल एचडी लेना चाहिए या 4K? 4K टीवी क्या आपके एसडी चैनल्स को सही तरह से दिखा पाएगा? और कौन से ब्रांड का टीवी लेना चाहिए? इतने सारे सवाल, लेकिन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा आपके सभी सवालों के जवाब और टॉप 5 43 इंच टीवीज। दोस्तों, टॉप 5 टीवीज बताने से पहले दो बातें, फुल एचडी लें या 4K। फुल एचडी लेते हैं तो ब्रांड को ज्यादा फायदा है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, सस्ते में बनती है लेकिन बिकती सस्ते में नहीं है। और 4K टीवी लेते हैं तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, ज्यादा बेटर स्पेक्स मिलते हैं और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, और कंपटीशन की वजह से प्राइस भी सही मिलता है। तो आपके एसडी चैनल्स का क्या होगा? दोस्तों, कोई भी 4K टीवी आपके एसडी या एचडी चैनल्स को अपस्केल करके स्क्रीन पे दिखाता है। ये होती है 4K स्क्रीन, और इतने छोटे होते हैं एसडी और एचडी चैनल्स। अगर अपस्केलिंग ना हो तो आपको अपनी 4K स्क्रीन पे इतने छोटे से वो चैनल्स दिखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड डोंट वरी, मैं इस वीडियो में वही टीवीज आपको बताऊंगा जिनकी अपस्केलिंग बहुत अच्छी है। और अब पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, आजकल हमने अक्सर ऐसा देखा है कि हम ब्रांड चुन लेते हैं, हमें उसका टीवी और प्राइस पसंद आ जाता है, लेकिन वो टीवी ही अवेलेबल नहीं होता। इसलिए मैंने इन टीवीज को कुछ इस तरह से रैंक किया है कि अगर आपको एक टीवी ना मिले तो आप उसी रैंक पे आने वाले किसी दूसरे टीवी को ले सकें। और मैं इन टीवीज को रेट कर रहा हूं उनकी पिक्चर क्वालिटी के बेसिस पे, ना कि उनके प्राइस के बेसिस पे। चलिए अब आपको बताता हूं टॉप 4K टीवीज 43 इंच साइज में। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है कोडाक एंड्रॉइड CA और थॉमसन ओथ प्रो। ये दोनों एक ही टीवीज हैं, एक ही मैन्युफैक्चरर के बने हैं, और इनमें ब्रांड नेम के अलावा और कोई फर्क नहीं है। इन दोनों टीवीज के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको इसमें 10 बिट IPS DLED पैनल मिलेगा, जिसकी ब्राइटनेस चली जाएगी 500 निट्स तक, और ये सपोर्ट करता है HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को। इन दोनों टीवीज के अंदर आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिलती है जो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम करती है। ये दोनों टीवीज आते हैं Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स, और इन दोनों टीवीज के अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। दोनों टीवीज के अंदर आपको 1.75 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है 4 GB। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको 30 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS डिजिटल सराउंड को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही टीवीज आते हैं 3 HDMI, 2 USB, 1 ऑप्टिकल पोर्ट के साथ, और इनके अंदर हेडफोन जैक मिसिंग है। दोनों ही टीवी सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ 5.0 को, और इनमें आपको मिलता है सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। थॉमसन ओथ प्रो को आप खरीद पाएंगे 25,000 रुपीज के अंदर, जबकि कोडाक एंड्रॉइड CA आपको कॉस्ट करेगा 24,000 रुपीज। अब इनके कॉन्स की बात करते हैं। दोनों ही टीवीज पेपर पे बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं, लेकिन इनकी कलर मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है अगर इनको बजट ब्रांड के दूसरे टीवीज के साथ कंपेयर करें तो। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे दो टीवीज आते हैं, जिसमें से पहला टीवी है iFalcon का K31 मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ इस टीवी के अंदर आपको 10 बिट IPS DLED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 270 निट्स तक, और ये सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को। माइक्रो डिमिंग और कई AI फीचर्स के साथ आने वाले इस टीवी के अंदर आपको मिलता है Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। ये टीवी कॉर्टेक्स के A55 CPU और माली के 470 MP3 GPU के साथ आता है, और इसमें आपको 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसकी यूजेबल स्टोरेज है 11 GB। इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं डॉल्बी ऑडियो MS-12 को। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI, 2 USB, 1 हेडफोन जैक, 1 ऑप्टिकल पोर्ट के साथ साथ
ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलेगी और ये टीवी सपोर्ट करता है सिंगल बैंड वाईफाई। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 24,000 रुपीज में। कई AI फीचर्स होने के बाद इस टीवी का इंटरफेस थोड़ा सा लैगी है और आई फैल्कन जो कि TCL का ब्रांड है उसकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे दूसरा टीवी है मी टीवी 4X। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ इस टीवी के अंदर आपको 10-bit IPS D-LED पैनल मिलता है जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 200 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10 को। विविड पिक्चर इंजन और डेटा सेवर मोड के अलावा आपको इसमें पैचवॉल 3 का इंटरफेस मिलता है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड टीवी OS 9 और बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A53 CPU और माली के 450 MP3 GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 2GB की रैम और 8GB की स्टोरेज मिलेगी जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है 4GB। इस टीवी के अंदर आपको 20W के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। ये टीवी आता है 3 HDMI, 2 USB और 1 SPDIF पोर्ट के साथ, लेकिन इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 4.2 सपोर्ट के साथ और इसके अंदर आपको मिलता है डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 25,000 रुपीज में। शानदार सर्विस नेटवर्क के साथ आने वाले शाओमी के इस टीवी के पैनल की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, अदरवाइज ये टीवी नंबर 4 पे ना होता मेरी लिस्ट में। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं दो टीवीज, नोकिया एंड मोटोरोला टीवीज। वंस अगेन ये दोनों भी एक ही टीवीज हैं, सिर्फ साउंड बार के स्टाइल और ब्रांडिंग का फर्क है। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड देखने को मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको इसमें मिलता है 8-bit FRC IPS D-LED पैनल जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 300 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10 और डॉल्बी विजन को। इन दोनों टीवीज के अंदर आपको वाइट कलर गैमेट और MEMC टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम करती है। ये दोनों टीवीज आते हैं एंड्रॉइड टीवी OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इनमें आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। दोनों टीवीज के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A53 CPU और माली का 450 MP4 GPU मिलेगा। दोनों ही टीवीज आते हैं 2.25GB की रैम और 16GB की स्टोरेज के साथ जबकि इनकी यूजेबल स्टोरेज है 11GB। दोनों ही टीवीज के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है स्पीकर क्वालिटी का। नोकिया टीवी के अंदर आपको 24W की JBL की साउंड बार मिलती है जबकि मोटोरोला टीवी के अंदर आपको 20W की साउंड बार मिलेगी। दोनों ही साउंड बार्स डॉल्बी ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड को सपोर्ट करती हैं। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको 3 HDMI, 2 USB और 1 ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा। हेडफोन जैक मिसिंग है और दोनों ही टीवी सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई को। नोकिया टीवी को आप खरीद पाएंगे 32,000 रुपीज के अंदर जबकि मोटोरोला टीवी आपको कॉस्ट करेगा 30,000 रुपीज, लेकिन उसमें आपको एक गेमिंग रिमोट भी साथ में मिलेगा। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे 4 टीवीज आते हैं जिसमें से पहला टीवी है LG UM7780। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड देखने को मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 50Hz के रिफ्रेश रेट के अलावा इस टीवी के अंदर आपको 8-bit FRC IPS E-LED पैनल मिलता है जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 400 nits तक और ये सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को। इस टीवी के अंदर आपको LG ThinQ AI फीचर्स और एडवांस कलर एनहेंसर जैसी टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। ये टीवी आता है LG के WebOS के साथ और इसके अंदर आपको मीराकास्ट की सपोर्ट भी मिलेगी। इस टीवी के अंदर आपको Apple AirPlay 2 की भी सपोर्ट मिलेगी। ये टीवी आता है LG के क्वाड कोर CPU और LG के ही मोशन को प्रोसेसर GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 1.5GB की रैम और 4GB की स्टोरेज मिलेगी जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 2.5GB। इस टीवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके 35W के फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स और सब वूफर्स जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल X को सपोर्ट करते हैं। ये टीवी आता है 3 HDMI, 2 USB और 1 ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट के साथ, लेकिन इसमें हेडफोन जैक मिसिंग है। लेकिन इसमें 2-way ब्लूटूथ 5.0 आपको मिलेगा जिससे आप सभी टाइप के डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे। ये टीवी आता है सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ और इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 45,000 रुपीज में। इस टीवी में सब कुछ अच्छा है सिवाय एक चीज के कि LG के WebOS के अंदर लिमिटेड एप्स का सपोर्ट है और आप एक्सटर्नली एप्स को साइड लोड नहीं कर सकते। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे बाकी 3 टीवीज हैं हाइसेंस टीवी, व्यू प्रीमियम टीवी और व्यू अल्ट्रा टीवी। तीनों ही टीवीज काफी हद तक सेम है कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड मिलेगा।
4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको इन टीवीज के अंदर मिलता है 8-bit FRC VA D-LED पैनल। Hisense TV आपको देता है 300 nits की ब्राइटनेस, जबकि VU के दोनों टीवी आपको देते हैं 400 nits की ब्राइटनेस। तीनों ही टीवी सपोर्ट करते हैं HDR10, HLG और Dolby Vision को। तीनों ही टीवीज के अंदर नाम बदल बदल के आपको मोड्स दिए गए हैं, जैसे गेम मोड, PC मोड, क्रिकेट मोड, स्पोर्ट्स मोड। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल भी मिलता है, लेकिन Hisense टीवी के अंदर आपको अल्ट्रा डिमिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि बाकी VU के दो टीवीज में नहीं मिलती। तीनों ही टीवीज आते हैं Android TV OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स, और तीनों में ही आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU भी मिलेगा। तीनों टीवीज आते हैं 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज के साथ, जबकि इनकी यूजेबल स्टोरेज है 11GB। तीनों ही टीवीज के अंदर आपको 24W के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं। VU के दोनों टीवी सपोर्ट करते हैं Dolby Digital MS12 को, जबकि Hisense टीवी सपोर्ट करता है Dolby Atmos को। तीनों ही टीवीज आते हैं 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स के साथ। तीनों में आपको ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट भी मिलेगा और हेडफोन जैक भी मिलेगा। तीनों ही टीवी सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई को। Hisense टीवी को आप खरीद पाएंगे 25,000 रुपीज के अंदर, जबकि VU के दोनों टीवीज कॉस्ट करते हैं 26,000 रुपीज। तीनों टीवीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना Hisense का कोई सर्विस सेंटर अभी है और ना ही VU का, और उससे भी बड़ा इशू कि तीनों ही टीवीज अवेलेबल ही नहीं है। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे 2 टीवीज आते हैं, जिसमें से पहला टीवी है सोनी का X7400H मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको स्लिम बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल का स्टैंड देखने को मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अलावा इस टीवी के अंदर आपको 10-bit IPS ELED पैनल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 340 nits तक, और ये सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को। ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले, X1 पिक्चर प्रोसेसर, मोशन एनहेंसर और फ्रेम डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये टीवी। इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉयड टीवी OS 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलेगा। ये टीवी आता है सोनी के ही क्वाड कोर CPU और सोनी के ही GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 1.5GB की रैम और 16GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11GB के आसपास। इस टीवी के अंदर आपको 20W के फुल रेंज बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं Dolby ऑडियो और DTS HD को। ये टीवी आता है 3 HDMI, 2 USB, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और एक हेडफोन जैक के साथ। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ 4.2 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी मिलती है। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 50,000 रुपीज में। इस टीवी में कोई खास कमी तो है नहीं, लेकिन अगर मैं नेटपिक करने चलूं तो इस टीवी के अंदर जो पिक्चर प्रोसेसर यूज हुआ है, अगर वो थोड़ा और बेटर होता तो पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की और बेटर होती। मेरी लिस्ट का नंबर 1 और बेस्ट टीवी है सैमसंग का TU8570। ये टीवी आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ। 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अलावा इसमें आपको मिलता है 8-bit FRC VA ELED पैनल, जिसकी ब्राइटनेस चली जाती है 450 nits तक, और ये सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को। इस टीवी की खास बात है इसकी डुअल LED टेक्नोलॉजी, जो इसकी पिक्चर क्वालिटी को जबरदस्त बनाती है। इस टीवी में आपको कई मोड्स मिलेंगे, जैसे कंप्यूटर मोड, म्यूजिक मोड और गेमिंग मोड। अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं तो वो भी आप इस टीवी से बड़ा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। इस टीवी में आपको टाइजन OS मिलता है और साथ में आपको स्क्रीन कास्टिंग फीचर भी मिलता है। इस टीवी के अंदर आपको 3 वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट मिलेगी, बिक्सबी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। इस टीवी में आपको एप्पल एयरप्ले 2 की भी सपोर्ट मिलेगी। ये टीवी आता है सैमसंग के क्वाड कोर CPU और सैमसंग के ही GPU के साथ। इस टीवी में आपको 2GB की रैम और 8GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी लगभग 4GB के आसपास। इस टीवी में आपको 20W के स्पीकर्स मिलेंगे, जो कि Dolby Digital Plus को सपोर्ट करते हैं। ये टीवी आता है 3 HDMI, 2 USB, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और एक हेडफोन जैक के साथ। इस टीवी में आपको ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी मिलेगी। इस टीवी को आप खरीद पाएंगे 50,500 रुपीज में। इस टीवी में मुझे कोई कमी नहीं लगी, एंड ऑनेस्टली अगर आप 50,000 रुपीज खर्च कर सकते हैं तो ये बेस्ट टीवी है। मेरा इन टीवीज को रैंक करने का क्राइटेरिया इनकी पिक्चर क्वालिटी, इनके बाकी फीचर्स और इनका सर्विस नेटवर्क है। आप भी अपने बजट के हिसाब से सही टीवी चुनें। और हाँ दोस्तों, इन सभी टीवीज के डायरेक्ट सेलर लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और मैंने ऐसा ही एक वीडियो
32 इंच साइज के टीवीज के लिए भी बनाया है। उसका लिंक मैं यहाँ आई कार्ड में दे दूंगा, आप उसे भी जरूर चेक करिए। और कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप इनमें से अपने लिए कौन सा टीवी लेना पसंद करेंगे। और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।